विकास के मुद्दे पर मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। तो पूछता हूँ, चाहे सपा की सरकार हुई, बसपा की सरकार हुई, चाहे लोकदल के एमएलए रहे, किसी ने चिंता नहीं की। पर दो वर्ष कोविड रहा है, उसके बावजूद मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, चाहे हमारे यहाँ डिफेंस कॉरिडोर, विश्वास है कि क्षेत्र की जनता जनार्दन मेरे साथ हो, चाहे ITI हो, चाहे पलवल टप्पल अलीगढ़ मार्ग हो, चाहे अनेकों पुल हो। नमस्कार, मैं हूं कैलाश गोयल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सियासत का सिंहासन। चुनावी रणभेरी बच चुकी है और ऐसे में हर प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में है और इस वक्त हम मौजूद हैं खैर से विधायक अनुप वाल्मीकि जी, जिनको भाजपा ने इस बार प्रत्याशी बनाया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका विधायक जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से बीजेपी ने आपको दोबारा से चुना है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ राष्ट्र नेतृत्व का, प्रदेश का और अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को जनपद के, कि जिन्होंने मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को अपना आशीर्वाद और स्नेह दे करके पार्टी ने मुझे पुनः प्रत्याशी बनाया। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। विधायक जी, जिस तरीके से अभी तक चुनावी समीकरण चल रहे थे, गठबंधन और भाजपा आमने सामने यहाँ पर दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी दोबारा से जो है चुनावी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर गुड्डू जी की जो है पुत्र बधु इस बार बसपा से चुनावी मैदान में है, क्या कहेंगे आप? देखिए, न तो हमारे पहले जो चुनाव था, चाहे 2017 हो, तब भी कोई टक्कर में नहीं था। बसपा तीसरे नंबर, बसपा सेकंड थी और जो अंतर था वो भी 75,000 का अंतर था, जो अपने आप में बहुत बड़ा है। ऐसे ही चाहे 2019 का चुनाव हो, 19 के चुनाव में तो सपा, बसपा और लोकदल तीनों एक साथ होकर के हमारे यहाँ से जो उसके क्या नाम है भाजपा के प्रत्याशी थे आदरणीय सतीश गौतम जी, उनके खिलाफ लड़े। और उसके साथ साथ ही यहाँ से जाट समाज के प्रत्याशी हमारे बाल्यान साहब थे, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ 1,46,700 वोट तीनों को एक होने के बावजूद भी सांसद जी को मिला। तो निश्चित ही मैं समझता हूँ कि जो ये दोनों रिकॉर्ड हैं पिछले, ये अब के टूटेंगे। वो ठीक है, सभी पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, जनता जनार्दन है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि क्षेत्र की जनता जनार्दन मेरे साथ है। विधायक जी, विपक्ष हमेशा से कहता हुआ आ रहा है कि भाजपा हमेशा जो है धर्म को लेकर जो है चुनावी माहौल बनाती है और धर्म को लेकर ही ये जो है चुनाव लड़ती है, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? देखिए, धर्म भी हमारी आस्था है, पर धर्म के साथ साथ मैं विकास की बात करूं तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इससे पूर्व में जो विधायक रहे, ये 2009 में परसीमन के बाद सुरक्षित हुई और 2012 से पहली बार विधानसभा सुरक्षित हुई है। मैं 2012 से 17 तक यहाँ जो विधायक रहे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हमारे लगभग पौने दो वर्ष कोविड में जो है लगातार हाँ हम लोग झेलते रहे, उसके बावजूद भी जो 3 वर्ष का कार्यकाल मिला, वैसे तो 5 वर्ष मिला, पर दो वर्ष पौने दो वर्ष कोविड रहा है, उसके बावजूद मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, चाहे हमारे यहाँ डिफेंस कॉरिडोर हो, चाहे ITI हो, चाहे पलवल टप्पल अलीगढ़ मार्ग हो, चाहे अनेकों पुल हों, जो काम यहाँ बहुत लंबे समय से, अब यमुना पर हम पुल बना रहे हैं, देश की आज़ादी से लेकर के अब तक लगातार वहाँ हमारे मालव क्षेत्र के, टप्पल क्षेत्र के किसान हमारे मांग करते चले आ रहे। मैं पूछता हूँ, चाहे सपा की सरकार हुई, बसपा की सरकार हुई, चाहे लोकदल के MLA रहे, किसी ने चिंता नहीं की। तो ये अभी क्यों बने? हमारे यहाँ 3 नगर पंचायतें बनी हैं, देश की आज़ादी के बाद मात्र 1 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका खैर के अंदर है, हमारे कार्यकाल में 3 बनवाए हम लोगों ने। मैं ऐसी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो निश्चित ही हमने जो विकास किया, हम विकास के मुद्दे पर मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं और जनता में जिस तरह का प्यार और स्नेह मुझे मिल रहा है, मुझे तो कहीं भी कोई 1% भी नहीं दिखता, मुझे उससे भी ज़्यादा जो मार्जिन दिखता है। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से विकास के मुद्दे पर भाजपा इस बार चुनाव लड़ेगी। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।